ई हो या फिर अगर मैं बात करूँ आर एस सी बी हो या डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में भी ये लगातार पूछे जाते हैं तो इसके सिलेबस की चर्चा हमने ऑलरेडी किया था इसके अंदर हम इलिमिनेशंस और लैंप के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे देखिएगा इलिमिनेशंस काफी दिनों से ये चैप्टर छूटा हमारा मिस था इसको हम चाह रहे हैं जल्दी से कंप्लीट करें ठीक है ना नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस सिलेबस के अंदर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में जिसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से पहला सिलेबस को कैसे करना है कवर उसके बारे में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था इसके बारे में ठीक है चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लेटिंग की तो ये भी हमारा सिलेबस इतना टॉपिक अगर करते हो तो यूटिलाइजेशन में दो से तीन मार्क्स एकदम श्योर रहने के चांसेस है इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए दो से तीन मार्क्स आपके आ जाते हैं अगर चार टॉपिक को कर लेते हो कई बार मैक्सिमम अगर होगा वेरिएशन तो तीन से चार मार्क्स तक का वेरिएशन देखने को मिलता है टॉपिक वाइज हमने पहले लेक्चर में आपको पहले बता रखा था चलिए मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि आज जो हमारा यहाँ पे सेक्शन है ध्यान से समझिएगा आज जो मैं सेक्शन में की चर्चा करने जा रहा हूं वहां पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है मुझे पहले तो मैं बात कर लूँ हमारा है पहला ही टॉपिक है ये फर्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन ओके एंड लेलमिनेशंस क्या है इसकी चर्चा होगी एक एक चीज को अगर ऐसा एलिमिनेशन मैं जिस तरीके से कराऊंगा सीरियल वाइज अगर आप करते या तो बहुत बेहतरीन एलिमिनेशन क्लियर भी हो जाएगा और एंड भी हो जाएगा और हर एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिलेगा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना तो एक टाइम था जब आपका क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कि आपके यहाँ बस लालटेन हुआ करता था है ना लालटेन हुआ करता था धीरे धीरे दुनिया अपग्रेड हुई इस तरीके के बल्ब पे आने लगे या आप हंड्रेड वाट के बल्ब आपने देखा होगा है ना हंड्रेड वाट के बल्ब आपको ने देखा होगा यहाँ पे गई फिर दुनिया अपडेट हुई है ना आज हमारे पास एलईडी बल्ब होने लगे हैं जो सबसे कॉम्पैक्ट सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करने वाला है तो एलिमिनेशन क्या है एक तरीके से देखिए कि रेडिएशंस ऑफ रेडिएशन है जो एनर्जी इमिट करता है ना कोई लाइट इमिट करने की जो प्रोसेस होती है वो एक तरीके से रेडिएशन है लेम्प क्या है रेडिएशन और लाइट है है ना एक, एक तरीके से क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है तो हम एक बार इसकी चर्चा करें चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक की ओर पहले मैं बात कराता हूं यहां पर देखिएगा कि सबसे पहले जब हमने टॉपिक वन देखा इलिमिनेशन तो इलिमिनेशन में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर टॉपिक होंगे जिसको मुझे डिस्कस करना पड़ेगा एलिमिनेशन यानी यूनिट वन के अंदर चार यूनिट अपने को करने हैं किसके अंदर आपके यूटिलाइजेशन में जिसमें पहला यूनिट को अपने को देखना ओके बिल्कुल मशीन आपका जो है वो ऐप के अंदर बिल्कुल कंप्लीट है कुछ फ्रैक्शनल मोटर है जिसकी हम चर्चा करेंगे अब यहां पे देखिएगा इंट्रोडक्शन इनमें जो टॉपिक होगा एलिमिनेशन और लैंप के अंदर इंट्रोडक्शन देन नेचर ऑफ अपलाइट टर्म यूज इन एलिमिनेशन एलिमिनेशन में कौन कौन से इंपोर्टेंट टर्म यूज होंगे इसकी चर्चा होगी लॉ ऑफ एलिमिनेशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है है ना उसके बाद अगर बात करोगे आप इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट्स है ना ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे लाइट आपके प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट अगर बात करोगे सोर्स ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करना पड़ेगा कि कौन कौन से होते हैं आपको पता है आर्टिफिशियल होते हैं और नेचुरल है नेचुरल तो सन है अपना है ना और आर्टिफिशियल में भी दो तरीके के है मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है इनकी भी आपको ध्यान में होना चाहिए ठीक है ना चलिए ये चीजें हैं नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा आर्कलैम्प ये बड़ा पूछा जाता है लेम्प बहुत सारे होते हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पे होती है आर्कलैम्प फ्लोरेसेंट लैंप नेक्स्ट गैसियस डिस्चार्ज लैंप सोडियम सोडियम वेपर लैंप है ना मरकरी वेपर लैंप फ्लोरेसेंट ट्यूब है ना नेक्स्ट नियोन लैंप हेलोजन लैंप के बारे में चर्चा करूंगा इल्यूमिनेशंस एंड लैंप के अंदर ओके नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है ना जिसको आप सी बोलते हो सी एफ एल ओके

तो। नमस्ते नमस्ते प्रवीण चौहान जी नेक्स्ट में में बात करूंगा यहां पे स्ट्रीट 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 लाइट 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 ओके के के बारे में कि किस तरह करते हैं हैं मेनली आज बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे और फ्लड फ्लड जो देखते हो ना बड़े बड़े पहले मैं बात कर लेता हूं इसके अबाउट इंट्रोडक्शन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये देख नहीं रहो लैंप लालटेन आप बोलते हो ये कैसा है एक मैकेनिकल यानी आर्टिफिशियल में भी दो तरीके के होते हैं एक आ, आपका इलेक्ट्रिकल दूसरा मैकेनिकल है ना तो ये मैकेनिकल टाइप के लैंप होते हैं जबकि जबकि मैकेनिकल को ओवरकॉन कम किसने किया इलेक्ट्रिकल लैंप इलेक्ट्रिकल लैंप के अपने बहुत सारे फायदे थे एज कंपेयर टू मैकेनिकल लैंप ये तो हवा में बुझ सकता था बुझता भी था आप लोग सब पढ़े होंगे इस लैम्प के अंदर आई होप जिनका बीटेक बारह दस तक हो चुका होगा सब ने इस टाइप के लैंप का यूज़ किया होगा शहर के लोग नहीं करते गांव देहात के लोग तो हमको लगता आज भी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ इस टाइप के लैम्प का उपयोग किया जाता है और उसको ओवरकम किसने किया लास्ट बाद में इलेक्ट्रिकल लाइट्स है ना अब यहां पे क्या है क्या है इसके एडवांटेज है अगर इसकी बात करें ना कि सबसे देखिए हम सब जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है लाइट पे आज के डेट में ह्यूमन के जितने भी एक्टिविटीज है आज के डेट में आपके जितने भी एक्टिविटीज है वो कही कहीं ना कहीं लाइट पे डिपेंड है और लाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है ठीक है ना तो लाइट के बारे में डिस्कस कर रहा है कि सन जो है हमारा प्राइम नेचुरल सोर्स है सन जो है आपका क्या है सबसे प्राइम है लेकिन सन के अलावा जब ये शाम ढल जाएगा तब कौन सा सन आएगा तो ऐसे कंडीशन में लाइट की हम इंपोर्टेंस आपको एक बार बता रहे हैं कि सन हमारा क्या है आपका प्राइम आ, जो है वो आ, प्राइम सोर्स है लेकिन उसके बाद भी बट आर्टिफिशियल लाइट प्लेड इंपोर्टेंट रोल यहां पे जो है आर्टिफिशियल लाइट आर्टिफिशियल किस टाइप का ये और ये इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में चाहे जितने भी इंडस्ट्री होगी या फिर जितने भी लाइट्स यूज कर रहे अभी अगर मैं आपके सामने हूं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है लाइट्स ओके okay. तो इन चीजों का भी ध्यान रखना ठीक है अब ये कहना है क्या ध्यान समझिएगा डेली लाइफ में है ना दीज आर्टिफिशियल लाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल लैंप्स एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल लेम्प की चर्चा कर रहा है मैकेनिकल इस टाइप के लेम्प का अरेंजमेंट जो बोलते हैं मैकेनिकल लेप बोलते हैं ठीक है ना या नॉन इलेक्ट्रिकल लेम्प इसको बोला जाता है और ये होते हैं इलेक्ट्रिकल लेम्प बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब इसको धीरे धीरे क्या किया ये इसको ओवरकम कर दिया और ये सबसे बेहतरीन होने लगे इसके क्या है कि एक तो रिलायबिलिटी बहुत बेहतर है है ना हवा आंधी आई अगर बढ़िया शहर में रह रहे हो तो लाइट नहीं कटता गौ देहात में रहो तो बात अलग है उसकी रिलायबिलिटी उतनी बेहतर नहीं होती लेकिन ये तो ऐसे ही हवा आंधी में बुझ जाता था एक आंधी आया काम खत्म पता चला तेले पलटा दिया पता चला कांचे फोड़ दिया होता था कि नहीं तो रिलायबल इतनी बेहतर नहीं होती इस टाइप के लैंप चलिए नेक्स्ट यही पे बोल रहा है तो to, तो ड्यू टू ये सारी इसके नेचर है अब क्या है कि आज के डेट में इसका उपयोग हम बहुत ज्यादा करने लगे हैं ठीक है ना इसके एमसीबी करा दूंगा बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव यादव जी इसके एमसीपी को भी मैं कराऊंगा तो आज के डेट में जो इलेक्ट्रिकल लैंप बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं तो इसके क्या फीचर्स क्या एडवांटेज है तो मैं इसके बारे में एक बार डिस्कस कर दूलिनेशन यहां पे अगर बात आती है तो मैं पहले इस लाइट का एक बार एडवांटेज बता दू ये देखिएगा यहां पे इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग जो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग है ना इसके क्या है इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग हैज फॉलोइंग एडवांटेज इसके क्या क्या एडवांटेज है अगर इसकी बात करो फिर हम पीछे जाएंगे इल्युमिनेशन पे तो ये क्या होता है क्लीननेस इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इजी टू कंट्रोल होते हैं कॉमर्शियल बहुत बेहतर होता है इजी टू हैंडल होता है इकोनॉमिकल होते हैं ठीक है ना इकोनॉमिकल होते हैं इजी टू हैंडल होते हैं स्टेंड स्टेंडी आउटपुट होता है बहुत तगड़ा आउटपुट भी होता है बेटर रिलायबल आप इससे रिलायबिलिटी ज्यादा बेहतर रिलायबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं किसके लिए ये सारे इलेक्ट्रिकल लाइट की बात होती है नॉन इलेक्ट्रिकल को हमने पीछे छोड़ दिया धकेल दिया है ठीक है ना नेक्स्ट है सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल परपज सब पर्पज के लिए इलेक्ट्रिकल नेम ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू मैकेनिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल लैंप तुलना में चलिए तो अब हम चलते हैं थोड़ी सी इससे बैक क्या आपको समझना पड़ेगा इलेमिनेशन एक्चुअली कुछ भी नहीं है नहीं कुछ समझ आता है तो समझिए है, है क्या है जी? है, अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब वो एक तरीके से लाइट है वो रेडिएशन है किस तरीके से रेडिएशन है अगर यहाँ बात की जाए थोड़ा सा देखिएगा अगर इसकी बात की जाए चर्चा की जाए वाइन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल कर रहा है सपोज दैट कोई लाइट को इसी सरफेस पे फॉल कर रहा है इस सरफेस पे फॉल कर रहा है इट बिकम विजिबल ये क्या होता है विजिबल यहाँ इल्यूमिनेशन यही फेनोमेना जो होता है ना कोई लाइट यहां से इमिट हुआ ध्यान समझिएगा कोई लाइट यहाँ से इमिट हुआ और यहां पे जाके क्या होता है आपको विजिबल होता है यहां पे जाके आपको क्या होता है विजिबल होता है ये फेनोमेना जो होती है ना कि

का दूरी बढ़ेगा तो एलिमिनेशन होते चले जाएंगे अगर दूरी दूरी आप बढ़ा दोगे यानी ये किस तरीके से है जी Inversely जितना बढ़ेगा उसका उतने ही कमजोर होते जाते हैं होता है में एक हैं किसी source से किसी uh, observer के observer के बीच जितना दूरी बढ़ेगी आपका एलिमिनेशन उतना ही पुअर होता चला जाता है आप सोचो टॉर्च होता था टॉर्च अगर नजदीक वाले एरिया में समझ नहीं टॉर्च अगर नजदीक वाले एरिया में अगर रहता है तो लाइट एलिमिनेशन आपको ज्यादा दिखता है कि नहीं उसको दूर कर दो तो एरिया सरफेस एरिया ज्यादा कवर करता है लेकिन वो एलिमिनेशन उसकी नहीं होती है वो लाइट की इंटेंसिटी नहीं होती तो ये चीजें होती है तो एलिमिनेशन को आपको समझना है एक तरीके से लाइट है एलिमिनेशन क्या एक तरीके से लाइट है और भी कुछ चीजों पर निर्भर करता है अगर एक तो दूरी पे और दूसरा है सरफेस एरिया सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एलिमिनेशंस उतने ही कम होंगे सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एलिमिनेशन उतने ही कम होंगे जस्ट फो टॉपिक विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूं एक एक चीज जबकि इसके मैंने बताया था एलिमिनेशन का भी बताया कि इसमें अट्ठारह टॉपिक है अट्ठारह टॉपिक को मैं पॉइंट वाइज कराऊंगा और एक एक पॉइंट बहुत क्लियर होगा कुछ में तो ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाते हैं ठीक है ना चलिए इसकी एमसीक्यू भी होगी फ्लक्स क्या होता है वही तो बताया, अभी सबकी सब है, है चर्चा, सब चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक है इलुमिनेशन ध्यान रखना के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ क्या होते हैं उसके बाद इसमें जितने भी टॉपिक आए जैसे किस फ्लक्स आए लक्स आएंगे है ना उसके बाद लुमेन आएंगे केंडला आएंगे कैंडल पावर आएगा जितने भी होंगे केंडल पावर फैक्टर्स आएंगे तो सबके बारे में हम चर्चा करेंगे यहां पे ठीक है ना ध्यान रखना इसकी अगर यूनिट की फाइनली बोल दे तो अभी हम समझाएंगे ये जो है एक इंट्रोडक्शन था जस्ट फॉर एलिमिनेशन क्या होते हैं और लाइट क्या होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में बात कर लू यहां पे लाइट ये क्योंकि टॉपिक मैं दो ही देख रहा हूं अभी जो टॉपिक आया हमारे पास कौन कौन से आए इलिमिनेशन एंड लाइट ये पहला यूनिट है तो क्या क्या एडवांटेज है लाइट क्या है कितने डेली लाइफ में यूज होते हैं क्या किसको ओवरकम किया इलेक्ट्रिकल कौन होते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल इसके बारे में हमने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है जो हमारा आगे का लेक्चर होगा उसमें बहुत सारी चीजें हम प्लान करेंगे चलिए क्या कह रहा है लाइट क्या है वॉट इज लाइट देखते हैं बहुत है डिफाइन करना मुश्किल होता है क्या कहता है लाइट दैट पार्ट ऑफ रेडिएट रेडिएंट इनर्जी है ना रेडिएंट रेडिएंट का क्या मतलब सपोज दैट सोलर है ना सोलर भी ये सन है तो सन भी रेडिएशन के थ्रू क्या करता है लाइट को मिट करता है किसके थ्रू जी रेडिएशन एक प्रोसेस होता है जब आप फिजिक्स साइंस फिजिक्स पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर एक टर्म होता है रेडिएशन कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन है ना जिसके थ्रू सन से लाइट हमारे अर्थ तक आते हैं सन से हमारे लाइट अर्थ तक आता है तो बोलता है कि रेडिएंट एनर्जी है फ्रॉम ए हॉट बॉडी व्हिच प्रोड्यूस विजुअल सेंसेशन ध्यान रखेगा जो प्रोड्यूस करता है विजुअल सेंसेशन अब ध्यान रखना यहां भी बहुत सारी चीजें हैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा समझिएगा यहां है बहुत सारी चीजें ये सन के रेडिएशंस निकलते हैं है ना सर के रेडिएशन निकलते हैं अब क्या कह रहा है लाइट किसके बारे में बोला है दैट पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी किसी गर्म बॉडी से है ना किससे हॉट बॉडी हॉट बॉडी कहे तो मैं एक सन बोल सकता हूं ना सन बोल सकता हूं ध्यान से समझिए सन बॉडी प्रोड्यूस विजुअल सेंसेशन जो प्रोड्यूस करता है विजुअल सेंसेशन क्या होता है समझिएगा जो आपके आई डिटेक्ट कर पाते हैं वो विजुअल सेंसेशन होते हैं कुछ ऐसे भी आ, रेज होते हैं जिसको अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते तो उसकी विजुअल सेंसेशन क्या होती है बहुत कम पुअर नहीं अपन देख सकते जिसके हाई विजुअल सेंसेशन होती है वो है सात कलर है ना जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे पढ़ते हैं साइन इसके अंदर जब लाइट चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे सात कलर होते हैं कौन से रेंज में देखते हैं 400 एनएम से आ, 700 एनएम के बीच अपन देख सकते हैं अपने आई की आई की जो डिटेक्शन होती है कितना वेवलेंथ तक देख सकते हैं 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, उसी में सातों कलर आ जाते हैं सात कलर को देखते हैं अगर मान लो यहाँ मैं चर्चा कर दूँ यहाँ से चर्चा कर दूँ अगर सात कलर की पट्टी इसी रेंज में है जिसका रेंज बाकी चाहे एक्स रे हो इस सन से एक्स रे निकलता है नहीं देख पाते वाई रे निकलता है गामा रे निकलता है यहाँ पे ध्यान रखना गामा रे निकलता है अपन नहीं देख पाते है ना? और भी कोई आ, आप को कह सकते हो यूवी रे निकल रहा है यूवी रे निकल रहा है अपन नहीं देख पाते लेकिन 400 सौ जिसका वेवलेंथ 400 सौ से 700 सौ के बीच होता है 700 सौ नैनो मीटर के बीच होता है ध्यान रखिएगा इन्हीं लाइट को देखते हैं जिसके अंदर कौन से कलर होते हैं सेवन कलर सातों कलर होते हैं रेनबो जो बनता है वो सारे कलर होते हैं जिसको ध्यान रखे बार ये भी पूछ देता है कि बताइए कौन से तक वेबिल रेंज को अपन देख सकते हैं तो 400 से 700 ये सब बकायदा एक एक पॉइंट मिलेगा जितने पीपीटी करा रहा हूं पीडीएफ के थ्रू ये चीजें करा रहा हूं वो सब आपको मिल जाएगा ऐप पर भी देखने को मिल जाएगा YouTube पर तो दे वीडियो देखने को मिलेगा ऐप पर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा चलिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर ध्यान रखिएगा तो ये सब हमारे क्या है लाइट की रेंज तो उसी को बोलते हैं विजुअल सेंसेशन जिस रेंज को अपन देख सकते हैं ना जिस रेंज को अपन देख सकते हैं वो आता है अपन विजुअल सेंसेशन के अंदर जिसको अपन देख सकते इसका एक कर्व बनता है उसको हम आगे कर्व पढ़ाएंगे ठीक है ऑन ह्यूमन आई जो हम अपने ह्यूमन के आई अपने आंख पर देखता है ठीक है इज कॉल्ड लाइट इसी को बोला जाता है लाइट जैसे ये लाइट का एक वे है देखिए इसमें क्या है इसमें ऐसा चमक है जो अपने आंख को क्या करता है दिख रहा है कुछ ऐसा लाइट है जो दिख नहीं रहा जैसे एक्स रे गामा रे है ना ये सब नहीं दिखता ठीक है ना ओके okay, चलिए ये राइट दिख रहा है देखिए ये भी एक लाइट है ये क्या है जी लाइट है 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 ना लाइट लाइट अपने को दिख रहा है, ये लाइट, ये भी लाइट है दिख रहा है तो इस तरीके से अपने लाइट्स होते हैं तो हमने देख लिया क्या कि चूंकि तो जो रेडिएशन के थ्रू आपको दिखते हैं और उसमें वहां पे यहाँ पे जो लाइट की बात कर रहा है ये भी क्या है एक विजुअल सेंसेशन होता है जो किसी हॉट बॉडी के द्वारा रिलीज होता है जिसको आपका आई डिटेक्ट कर पाता है ठीक है ना

जैसे कि एक कैंडल है अब देखिएगा कोई कैंडल जो लाइट रिलीज करेगा जो कैंडल कोई लाइट रिलीज करेगा तो कितने बड़े एरिया में कर रहा है ये तो इसका एरिया हो गया है ना ये इसका एरिया हो गया और कितनी दूरी पे कर रहा है कितनी दूरी पे कर रहा है एक कैंडल उसी को एक लूमेन बोला जाता है ध्यान रखें आगे हम एक कैंडल के द्वारा एक मीटर की दूरी पर एक मीटर स्क्वायर के एरिया पर जो लाइट भेजा जाता है उसको एक ल्यूमेन कहा जाता है ध्यान समझिए क्या कह रहा है एक कैंडल कैंडल पावर का मतलब कैंडल आप देखते हो ना जो जलाते हो कैंडल जलाते हो ना आप दिवाली के अंदर है ना तो एक कैंडल के द्वारा एक मीटर की दूरी पर एक स्क्वायर मीटर एक मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर मतलब

दो तरीके के होते हैं एक होता है नेचुरल एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल नेचुरल के अंदर क्या होता है नेचुरल वो लाइट होते हैं जैसे सनलाइट हमारा नेचुरल है आर्टिफिशियल कौन है आर्टिफिशियल में दो तरीके का आ जाते हैं जितना हम डिजाइन कर रहे हैं उसको आर्टिफिशियल कहते हैं लेकिन इसमें भी दो तरीके के एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल यानी एक इलेक्ट्रिकल एक नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल जिस लाइट को आप देख लो अगर हमारे पास कोई लाइट है ये इलेक्ट्रिकल लाइट है सॉरी मैकेनिकल लाइट कैसा है जो हमारा लैंप हुआ करता था मैंने आपको दिखाया वो एक मैकेनिकल लेम का एग्जाम्पल था तो मैकेनिकल को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल पे अपने-अपने एडवांटेज तो ये एक ओवरऑल टॉपिक थे इसके कंप्लीट करोगे ना।, जी बिल्कुल होगा। भी वाले बच्चे थे ना सर आपने क्लास के बारे में बताया तो मैं डालते रहता इसका कुछ था नहीं ये रिकॉर्ड करके डालता बट मैंने सोचा कि चलो लाइव ही दे देता हूं इस चीज को रिकॉर्ड करने में फिर वो करने में टाइम लग जाता है तो मैं सोचा अब रिकॉर्ड करूंगा फिर एडिटिंग होती है बहुत सारी चीज होते हैं तो ओवर ऑल व्यू था हालांकि एडिटिंग अभी बहुत होगी है ना एडिटिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है आपको पता ही है कि जितने मशीन में एडिटिंग हुई मेजरमेंट में एडिटिंग हुई है अब तो स्मार्ट बोर्ड आ गया डिजिटल बोर्ड आ गया तो बहुत ज्यादा एडिटिंग करके फिर ऐप पे जाएंगी इसके टॉपिक्स लेकिन वहां पर आपको प्रॉपर जो है वो भी मिलेगा क्या कहते हैं एक नोट्स भी मिलेगा इसका कंप्लीट और यूट्यूब पे कुछ वीडियो तो आपको मिल नहीं जाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चले का ध्यान रखना प्रैक्टिस सेट जो शाम का है वो एज इट इज चलेगा और प्रैक्टिस सेट के अल्टरनेट वाले डे में मैंने कोशिश किया है कि रेगुलर थ्योरी चले जिसमें आज का आज का तो प्रैक्टिस सेट नॉर्मल रहेगा कल वाले क्लास के अंदर कल वाले जो आ, क्लास होंगे उसमें मेरी टॉपिक होगा मेरा टॉपिक होगा सर्किट का परमिटिविटी और परमेबिलिटी में क्या डिफरेंस है कैसे यूज करते हैं किसी uh, माइक का क्या क्या होता है परमिटिविटी पर, uh, इंडक्टर के लिए किसको यूज करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसकी चर्चा कल करेंगे आज तो प्रैक्टिस सेशन चलेगा चलिए 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 आज ही स्टार्ट हुआ कि आज कर दिया हूं थोड़ा सा तो ओवरऑल आई होप कि आपने देखा होगा क्या होता है ये कुछ भी नहीं नहीं दिमाग में आए तो समझो लाइट क्या है? एक तरीके का लाइट इतना दिमाग में रख लेना है इट बिकम विजिबल आपको दिखने लगता है लाइट फॉल ऑन ए सरफेस जब कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल करता है जब कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल करता है शन क्या होता है दिमाग में बैठा लीजिए अगर डिफिनेशन रखना है नहीं तो कुछ नहीं एलिमिनेशन क्या है एक नॉर्मल लाइट है इतना दिमाग में रखना लेकिन अगर एलिमिनेशन के बारे में अगर डिफाइन करना है तो कहता हे लाइट फॉल ऑन सरफेस जब कोई लाइट यहां से कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल करता है किसी सरफेस पे फॉल करता है तो आपको क्या होता है ये विजिबल होता है ये क्या होता है आप देखने लगते हो विजिबल होता है ये क्या होता है विजिबल होता है आपको दिखने लगता है ये फेनोमेना, फेनोमेना कहलाता है इलिमिनेशन यही फेनोमेना मेना कहता है इलिमिनेशन जैसे बल्ब की इलिमिनेशन क्या है कितनी इंटेंसिटी है कितना सौ वाट का लोगे पांच सौ वाट का लोग हाई इलिमिनेंस होंगे

फिजिक्स फिजिक्स भी कंप्लीट जल्दी कराऊंगा क्या बताऊं शेड्यूल का इतना आ, हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है ना ये समझ लो कि टाइम कैसे अरेंज हो पाता है कि कब कौन सा क्लास दे दूं यही जब फ्री लगता है ना कि हाँ इस चीज़ को कर देना चाहिए ये ऐसे टॉपिक है जो जल्दी बच्चों के अवेलेबल नहीं हो पाता तो उसके लिए हम जरूर एक बार तैयार होते हैं और ये चीज डिजिटल आपको दिखता है बट इसको रेडी करना पड़ता है कोई कंटेंट डेवलपर इसको करेगा तो उसको यही नहीं पता होता कि किस चीज को कहां एडजस्ट करना होता है तो उस चीज के लिए हम लोग को एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है चलिए मैं बात करूंगा इस चीज का गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ठीक है चलिए तो ये ओवरऑल डाटा था आज जस्ट फॉर हमारा जो मेन टॉपिक था एलिमिनेशन और लाइट इसके बारे में हमने चर्चा किया है ओके okay, इस चीज का ध्यान रहे ये कंटिन्यू आप लोगों के लिए आगे हम जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के लिए ये टॉपिक जरूर लाता रहूंगा इसको भी चलता हूं कि जल्दी से ये चीजें खत्म हो जाए तो चलिए आज के लिए इतना ही गुड लक प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस होगी